आमिर खान की फिल्म पीके को लेकर खबर आ रही है कि इस फिल्म की कहानी केविन स्पेसी स्टारर फिल्म के पैक से काफी मिलती जुलती है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से कहा गया है कि इस फिल्म में आमिर का रोल केविन स्पेसी से काफी मिलता जुलता है। वैसे फिल्म पीके के मेकर्स ने इस न्यूज को पूरी तरह से गलत बताया है। एक्टर रणवीर सिंह का कहना है कि दीपिका पादुकोण ऑन स्क्रीन उन्हें अच्छा दिखने में हेल्प करती हैं। रणवीर का कहना है कि जब भी वो दीपिका के साथ ऑन स्क्रीन दिखते हैं तो लोग उन्हें पसंद करते हैं। साथ ही रणवीर का कहना है कि दीपिका को अब इंटरनेशनल फिल्म्स करनी चाहिए क्योंकि उनका स्टैंडर्ड वही है। फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही एक्ट्रेस स्वस्तिका मुखर्जी पर आरोप लगा था कि उन्होंने सिंगापुर में एक ज्वेलरी शॉप से शॉपलिफ्टिंग की है और अब स्वस्तिका पर आरोप लग रहा है कि ऐसा उन्होंने जानबूझकर किया ताकि उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म से पहले उन्हें लाइमलाइट मिल जाए। खबरों की माने तो एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन बहुत जल्द धर्मा प्रोडक्शंस की एक फिल्म साइन कर सकती हैं। सोर्सेज की माने तो रिसेंटली करण जौहर ने ऐश्वर्या से अपनी इस फिल्म के सिलसिले में मुलाकात की थी और ऐश्वर्या ने करण को इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया है। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि करण इस फिल्म में ऐश्वर्या के साथ आमिर खान को साइन करना चाहते हैं। सोर्सेज की माने तो सलमान खान ने कबीर खान से कहा है कि फिल्म बजरंगी भाईजान के सेट को वो फिल्म प्रेम रतन धन पायो के सेट्स के आसपास ही लगाएं। दरअसल सलमान खान अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, साथ ही वो चाहते हैं कि इन दोनों फिल्म्स की शूटिंग साथ होने की वजह से किसी भी फिल्म के मेकर को कोई प्रॉब्लम ना हो। रिसेंटली बॉलीवुड गलियारों में ऐसे रूमर्स आए थे कि शाहरुख खान ने अपने कॉन्सर्ट टूर के दौरान हनी सिंह को स्लैप किया है, लेकिन अब हनी सिंह की वाइफ ने इस तरह की खबरों को गलत बताया है। हनी की वाइफ का कहना है कि हनी सिंह शाहरुख खान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और शाहरुख भी हनी को अपना छोटा भाई मानते हैं। ऐसे में ये सारी खबरें गलत हैं। खबरों की माने तो फिल्म रेडी को लेकर अनीस बाजमी ने कुछ दिनों पहले फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार के खिलाफ एक केस फाइल किया था और अब इस मामले में फैसला अनीस बाजमी के फेवर में आया है। कोर्ट ने भूषण कुमार से अनीस को 9 करोड़ रुपीस देने के लिए कहा है। वैसे भूषण कुमार अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे हैं। फिल्म किल दिल से बॉलीवुड में वापसी कर रहे एक्टर अली जफर का कहना है कि किल दिल से बॉलीवुड में उनकी इमेज चेंज होगी। अली का कहना है कि अब तक उन्हें सिर्फ एक लवर बॉय के तौर पर जाना जाता है।